आपको बता दें, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि 24 घंटे में 6 विमानों से 1377 भारतीय यूक्रेन से लौटे हैं और अब भी करीब 7000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और आज सुबह बुडापेस्ट से एक और विमान भारत पहुंचा, एयरफोर्स का दूसरा विमान छात्रों को लाने के लिए उड़ान भरने को तैयार है। इसके पहले जो C-17 ग्लोब मास्टर है, सुबह 4 बजे वायुसेना के इस विमान ने उड़ान भरी और अब दूसरा विमान भी देखिए तैयार है जो उड़ान भरने जा रहा है। जरूरी सामान इस वाहन में चढ़ाया जा रहा है, रखा जा रहा है और उसके बाद इस विमान को उड़ान के लिए भेजा जाएगा। जब भारतीयों को लेने के लिए विमान पहुंचेगा तो एक बड़ी मदद यहां भारतीय छात्रों के लिए होगी। अभी तक अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की तो 1300 से ज्यादा छात्र भारतीय जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का कार्य हुआ है ऑपरेशन गंगा के तहत। लगातार ये भी आपको बता रहे हैं कि जो वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर है उसकी सहायता लेकर, यानी कि वायुसेना की सहायता लेकर ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को वापस लेकर आया जा रहा है। और देखिए रोमानिया की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जब ग्लोब मास्टर पहुंचेगा वहां पर जो छात्र हैं उनको लेकर आएगा। और कुछ तस्वीरें इस वक्त भी आपको हम दिखा रहे हैं जब छात्र इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें विमान लेने के लिए पहुंचेगा और वो अपनी अपने वतन वापस आ सकेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और भारतीय यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं भारतीय वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कीव में तो हालांकि लोग नहीं हैं भारतीय, लेकिन खार्कीव में जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं वहां पर भी कुछ भारतीय फंसे हुए हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।